मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में विधानसभा की डमी कार्यवाही के दौरान संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक मुकेश नायक ने सरकार पर तीखा हमला किया। नायक ने ई टेंडरिंग में गड़बड़ी का मामला उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नायक ने कहा कि देश को डिजिटल इंडिया बनाने का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जुमला है, इसकी असलियत प्रदेश में हुई ई टेंडर घोटाले ने उजागर कर दी है। नायक का आरोप है कि दिलीप बिल्डकॉन का 20,000 करोड़ का एम्पायर ई टेंडरिंग की गड़बड़ी से बना है। उन्होंने यहाँ भी आरोप लगाया है कि यह महाघोटाला व्यापम के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है जो सरकार की नीयत और नीति को उजागर करता है। इस घोटाले में व्यापम घोटाले की ही तरह लीपापोती करने का खेल जारी है। जिनका 20,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा हो गया इन 12 सालों में 15 सालों में ई टेंडरिंग में मैनिपुलेशन की वजह से, उनका दबाव सरकार के ऊपर था कि उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि सरकार में बैठे लोग उनके साथ शामिल है सारे घपलों में, घोटालों में, ई टेंडरिंग के मैनिपुलेशन में। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिनों के भीतर ही खत्म हो जाने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने तीसरे दिन विधानसभा परिसर में डमी विधानसभा लगाई थी। सभा में विधायक जयवर्धन सिंह ने भी ई टेंडरिंग घोटाले में मुख्यमंत्री के नजदीकी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। हमारी मजबूरी बनी है कि आज हमें विधानसभा में अंदर बैठकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि आज के समय आप देख रहे हैं कल की जो स्थिति हुई शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन नहीं चलने दिया, इसीलिए क्योंकि उनको डर था अविश्वास प्रस्ताव से, क्योंकि उसमें जो बिंदु सामने आ रहे हैं भ्रष्टाचार के, भाजपा की विफलताओं के, उससे सत्ता पर डर रहा है और भाग रहा है। कांग्रेस की इस जनसभा में सरकार के कामकाज का हिसाब मांगा गया। अब कांग्रेस विधायक अगले 3 दिनों तक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जनसभा कर उन मुद्दों को उठाएंगे जिन विषयों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकी। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।